हाय दोस्तों, 11 बज चुके हैं एंड आज मैंने डिसाइड किया है हम लोग खाएंगे इडली सांभर फॉर लंच। सो सांभर के लिए मैंने दाल को बॉईल कर लिया है जल्दी से एंड अब मैं गई थी नहाने के लिए एंड तैयार होने के लिए। अब मेरे गहने पहन लूँगी मैं एंड रेडी हूँ कुकिंग करने के लिए। तो आज हम पीला एप्रन पहनेंगे ताकि हमारे खूबसूरत कपड़े गंदे नहीं हों। तो दाल बॉयल हो चुकी है। मेरे कुकिंग चैनल पे सांभर की एंड टमाटर की चटनी की रेसिपी है। टमाटर की चटनी मैंने कल रात को बना ली थी क्योंकि फिर मेरे ना थोड़े टास्क कम हो जाते हैं एंड जो मेरे पास बड़ा तवा है वो ख़राब सा हो गया, उस पर डोसा नहीं बनेगा। पर हस्बैंड डोसा खाना चाहते हैं पर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इडली खाएँ। सो देखते हैं, अगर डोसा खाना चाहेंगे तो ऐसे ही छोटे से तवे पर इडली सा बना देंगे, पर मसाला नहीं बनाने वाली हूँ मैं। आई एम सो डन विद मसाला। सो जल्दी से सांभर को तड़का लगा लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि सांभर में मैं कौन सी सब्जियाँ ऐड करूँगी। सो सांभर में मैं ऐड करने वाली हूँ ये सांभर मिक्स सब्जियाँ। इसमें सारी सब्जियाँ हैं तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टमाटर एंड अनियन डालें एंड यू आर गुड टू गो। लुक, ता-दा। और सिर्फ हाफ ही यूज़ करेंगे। सो सांभर बनाने के लिए इमली को पानी में भिगो लेते हैं। इडली का स्टैंड यूज करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सांभर के तड़के में मैं सिर्फ अनियन एंड ग्रीन मिर्ची डालूंगी, टमाटर भी हाफ क्योंकि इमली की खटाई ज्यादा हो जाएगी। सो मैंने इस हॉकिन के प्रेशर कुकर में पानी रख दिया, उसके बाद हम इडली भी रख देंगे साथ में। Let me do it.
ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਏ ਓਏ ਆਮ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆਮ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਡ ਇਡਲੀ ਡੋਸਾ ਚਟਨੀ ਡੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਡਲੀ ਐਂਡ ਚਟਨੀ ਮੇਰੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਾ ਇਡਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚ ਨਾਲੇ ਇਡਲੀਆਂ ਡੋਸੇ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰੂਗਾ because I am with you and you feeling confident about ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਕਾਲਾ ਦੇਖੋ देखो दिखाओ की दिखाओगे देखो दिखाओ बोल और दो बाल काट लेनी है रुखे सुखे जे बाहर मैं अंकल क्रूज बन जाना तीन तीन बाल लेनी जा प्यारी जिम जा गया मैं हम खाओ ना गाइस एक सीक्रेट बताऊं बहुत लंबा समय तक मेरे हस्बैंड इडली को इटली बोलते थे इडली को प्रेशर कुकर में रख दिया है 15 मिनट की वेट करे थे उसकी सीटी उतार दी थी क्योंकि उस पर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि सीटी उतार के 15 मिनट के लिए कुक करो होपफुली इडली आराम से बाहर निकल जाए मैंने सुना है कि वो चिपक भी जाती है लेट्स सी सारा कुछ ओके गाइस आई थिंक सक्सेस हो गया है अभी निकाल के देखते हैं कि कितना बनी है चिपकी तो नहीं ओके सो पंजाबी वाइफ ने मचाया तहलका किदा कड़ा पहला तो यार नट खोल दी ठीक है प्यारी ओ चटनी काट फ्रिज चो साग एंड मक्की की रोटी के साथ इडली की एक्सपर्ट भी बन गई हूँ सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ ओ वाओ बुगी इधर वेख चक क्यों ना भांडे बहुत तुम याद है एक बार अं एक जगह तो पत्थर वाली की इडली खाधी ओ वाओ बहुत बहुत वधिया बनी है चिपकी भी नहीं है जिंदगी जो पहली बार इडली बनाई है आई एम वेरी एक्साइटेड एक बैच और बना लिए तुम तो पहले दिन ही क्रैक करता कोड ओ चलो केड़ी प्लेट च पाइए कुछ पाओ नहीं हां खाने वाली ओ माय गॉड सच अ फ्रेश इडली ब्रो मम पड़ो इतने सांभर का तो नहीं होना कुछ पाओ ना सो कल मैंने ये टमाटर की चटनी बनाई थी यदि रेसिपी कुकिंग चैनल पे अगर देखना चाहें तो सांभर की भी है सो हस्बैंड ने डिसाइड किया है थाली च खानी है लंगर वाली थाली च पर हम मैं बैड फील होना फिर कि खाने खा लिया खाने च की पाऊं मिमी वांगो और मम्मी आवा आवा दुआ च सांभर खानी प्यारी तेरा उधर इडली रख देना हर खाने च प्यारी ना बंदा ਮਰਮਟ ਖਾ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਦਾ
ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਊਂਗਾ ਡੋਸਾ ਵੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸਾਂਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਚਟਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਡਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਪਤੀ ਫਲੇਵਰ ਦੱਸਣਗੇ ਖਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓਏ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਲਿਆ ਪਿਆ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਮੈਨਿਊ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਕੋਨਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੋਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੱਥ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਇਡਲੀ ਸਕਸੈਸ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਇਡਲੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਜਾਨਾ ਪੂਰਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਡਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਐਂਡ ਸੋਫਟ ਬਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੈਚ ਔਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਇਹ ਬੈਟਰ ਅਭੀ ਵੀ ਬਚਾ ਹੈ ਇਸਕੋ ਮੈਂ ਪਤੀ ਕੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਡੋਸੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੋ ਬਣ ਜਾਏਗੇ। तो पिद्दी सा बना है ये। आई होप हस्बैंड विल बी हैप्पी विद दिस पिद्दी डोसी। ओके सो मेरी बारी आती है इडली डोसा खाने की एंड डोसा थोड़ा गरीब है एक्चुअली ये पानी है सिर्फ पानी डोसा की मुंह बनाने तना बनाने तो अच्छा बनाती है रे प्यारी है बढ़िया कुक काम है अच्छा कुक करती है रे मुझे अच्छी बाई मिली रे बाई काम वाली बाई अच्छा बाई नहीं कहते अच्छा बाई मिला मैंने बाई मतलब ब्रदर बाई इज्जत ब्रदर हुंदा ਬਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਬਾਈ ਰੇ ਬਾਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਓਕੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਈ ਰੇ ਪੁੱਛੀ ਬਾਈ ਰੇ ਸਾਂਬਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਸ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿੱਠਾ ਖਾਓ ਨਾ ਕੀ ਆ ਕੇਲਾ ਕੁੱਟੂ। सो इडली खाने के बाद ना मुझे नींद आ गई थोड़ा ना मेरा साइनस भी ऐसे स्टफ कंजस्ट हो गया था तो मुझे लगा कि मैं सो जाती हूँ मैं सो गई थोड़ा पर सो नहीं पाई एक्चुअली हस्बैंड एंड हिम्मत काफ़ी रौला मचाते हैं हिम्मत का स्कूल से आने का समय था चाय बनाई है मैंने चाय। सो ये डाइनिंग टेबल पर मेरा चाय पीने का फेवरेट स्पॉट है बाहर देखते हुए क्योंकि लकीली हमारा ये जो यहाँ से व्यू है काफ़ी वाइड दूर तक है लाइक ऐसा कुछ खूबसूरत नज़ारे नहीं है पर आप काफ़ी दूर तक देख सकते हैं हाईवे को और सड़कों को तो या मुझे यहाँ में बैठ के बाहर देखते हुए चाय पीना चंगा लगता है। सो नैप लेने की कोशिश की है मैंने मिला नहीं नैप मुझे। सो हम लोग आ गए पार्क में एंड हिम्मत एंड हस्बैंड प्ले कर रहे हैं और मैं और हिम्मत ना कलर वाली गेम प्ले कर रहे थे मैंने उसको कहा कि पर्पल कलर ढूंढो और उसे पर्पल मिला नहीं और मैंने पर्पल कलर का कोट पहन के रखा है एंड वो दोनों हस्बैंड एंड हिम्मत बोल रहे ये पर्पल नहीं है ये पिंक है। सो फाइनली आई गॉट थ्री अदर किड्स जिन्होंने मेरा साथ दिया कि ये पर्पल है। अब आप बताएं कि आपको ये पर्पल लग रहा है या पिंक? बहु केड़ा रंग पाया मैं ये स्काई ब्लू ओके सो आई एम प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हिम्मत एंड आई एम हाइडिंग हियर एंड वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहा है और मैं हूँ स्लाइड के अंदर।
Okay, what do you want me to do? Tell me, are you ready for it? Yeah, sure. Hey, you normal? What the heck? मैं ऐसे बहुत dizzy हो जानी है. I shook my head. That's why. Okay, you. सो डिनर हमने कर लिया है. डिनर में हमने खाई है इडली, उसको अच्छी तरह सांभर में सोक करके. हिम्मत का फ्राइज़ खाने के लिए मन था तो थोड़ी सी हमने भी बना ली, उसके ऊपर चाट मसाला डाल के इंडियन स्टाइल सॉस के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है. एंड उसके बाद मैंने बनाया है राइस हिम्मत के लिए सांभर के साथ खाने के लिए. एंड एक और चीज़, जब मैं चंडीगढ़ में थी हमारे जो हॉस्टल था गर्ल्स का, वहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंटली सांभर बनता था राइस के साथ एवरी अदर डे, स्पेशली लंच में. और हम सीधे पंजाब से आए थे एंड सांभर से इतने फेमिलियर नहीं थे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा अजीब लगता था. एंड बहुत गुस्सा आता था कि यार क्या बना रहे हैं, इससे अच्छा राजमा राइस बना लें, चना राइस बना लें, या फिर दाल चावल ही बना लें, पर ये सांभर क्या है. पर धीरे धीरे सांभर के फ्लेवर के साथ प्यार हो गया एंड बहुत अच्छा लगने लगा. एंड कई बार मुझे ना वो सेम फ्लेवर्स की क्रेविंग होती है तो फिर मुझे ये अच्छा लगता है. सो आज मैंने इसके साथ राइस बना लिया, थोड़े से मैंने भी लालच में आके थोड़े से वो भी खा लिए. सो ओवर ईटिंग हो गई है दोस्तों. समय हुआ है 8:15, जल्दी से किचन की क्लीनिंग को निपटाते हैं एंड देन वील डू सम चिट चैट. Guys, guess what? I ate the rice with my hands. हाँ, मैंने ना जब से हम सदगुरु के आश्रम से आए थे ना, वहाँ पे लंगर हाथ से खाना पड़ता है. वैसे मैं हाथ से सम देर हेयर देर खा भी लेती थी पर बहुत ज़्यादा नहीं, पर जब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे कहते हैं कि फूड जब आप हाथ से खाते हैं तो फूड के साथ आपका कनेक्शन बनता है, फ्लेवर अच्छे लगते हैं एंड यू नो फील होता है टेक्सचर एंड स्टफ एंड सारी सेंसेस काम करती है जब हाथ में आप फूड को लेते हैं. स्मेल, टच, टेस्ट, यू नो अखा, एवरीथिंग. सो मैंने हिम्मत को कहा कि तुम भी खाना चाहोगे. इसने मुझे देखा कि तुम ये सांभर एंड चावल हाथ से खा रही हो, मैं भी ट्राई करूँ. तो उसने खाया और वो बहुत एक्साइटेड है और उसने अच्छी तरह खाया. सो ये बताने के लिए वो आया था. Hey guys, guess what? Hey guys, you know this game on Roblox? On Roblox, I'm gonna make a game. Guys, we ran out of Doritos. La. So, I'm La sorry. Da. You won't be seeing any more Doritos La. Ever again. La. Who knows? तू नहीं सींगी गाइस. कह रहा मैंने चिप्स स्मोक कर गया, सो तो आपको फ्यूचर में चिप्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे. दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग. देखो से वी डोंट केयर. हे यू आर रूड रूडीज. आई बेट यू आर सेइंग राइट नाउ, ओह वेयर इज माय बेनिस, व्हाट इज रूडी. सो कल की थोड़ी सी खिचड़ी बाकी है, वो भी हमने खाई नहीं है, उसको भी निकाल लेते हैं, कल हस्बैंड खा लेंगे. पर कल मेरा मेन्यू में कुछ अच्छा स्पेशल है. सो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी है. मैंने डाइनिंग टेबल वाली लाइट बंद कर दो. थैंक यू वेरी मच. हमारी रसोई हो चुकी है क्लीन. आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ. बाय.